हमारी मईशत का मुस्तकबिल क्या है? सुन लीजिए और गौर से सुन लीजिए, एक खामोश माली बौरान खड़ा है, अ साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। खामोश माली बौरान खड़ा है और खड़ा है हमारे सामने, लेकिन बंदर क्या कहता है? हियर नो ईविल, सी नो ईविल, स्पीक नो ईविल। साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस सामने खड़ा है, लेकिन बंदर ने कह दिया है हियर नो ईविल, से सी नो ईविल, स्पीक नो ईविल। हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद से तीन बातें कही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है। पहली बात, हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहती है कि विफाकी हुकूमत की आमदन, नेट आमदन 3,500 अरब। दूसरी बात, हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि चारों सूबे मिलके हमें 400 अरब रुपया देंगे। नंबर तीन, हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे इखराजात 7,000 अरब के। अब हिसाब आप खुद ही कर लीजिए, नेट आमदन आ रही है 3,500, सूबे देंगे 400, बन गया 3,900 अरब। इखराजात हैं 7,000 अरब, मैं नहीं कह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है। तो खसारा आ गया 3,100 अरब का। कितना खसारा? 3,100 अरब का। अब सुन लीजिए शब्बर जैदी साहब क्या कहते हैं। शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक हमने इकट्ठा किया 2,083 अरब रुपया। पूरे साल का बजट रखा था 5,500, फिर बजट को नीचे लेके आए, पूरे साल का नीचे लेके आए 5,200 पे। तो अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो सारा का सारा हिसाब ही गलत निकला, आमदन तो इकट्ठी हो ही नहीं रही, शॉर्टफॉल आ रहा है कोई 1,000 अरब का। कितना शॉर्टफॉल आ रहा है? 1,000 अरब का। तो सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन बंदर क्या कहता है? हियर नो ईविल, सी नो ईविल, स्पीक नो ईविल। बता दूं आपको होने क्या चला है, नोट कर लीजिए, चार चीजें होने चली। पहला, मिनी बजट आ रहा, लिख लीजिए चार चीजें। पहली चीज बनी मिनी बजट आ रहा, टैक्सेस आसमान पे, महंगाई आसमान पे, और नंबर चार, गुर्बत की शरह से मजीद पाकिस्तानी नीचे गिरने वाले। रिमेंबर, साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस।